तो दोस्तों, अगर आप भी GB व्हाट्सअप, FM व्हाट्सअप या यो व्हाट्सअप यूज़ करते हैं और आपने अपनी चैट्स को हाइड कर दिया है और आप उनको अनहाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका क्या है एग्जैक्टली सही तरीका, कैसे आप उन चैट्स को अनहाइड करेंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। GB व्हाट्सअप में कई सारे फीचर्स में एक फीचर ये भी है कि आप आसानी से अपनी चैट्स को हाइड कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको करना बस इतना है, आपको आपके GB व्हाट्सअप को ओपन करना है, उस चैट के ऊपर लॉन्ग टैप करना है, ऊपर 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप हाइड चैट नाम का एक ऑप्शन देखेंगे, जिस पे अगर आप क्लिक करते हैं, इसके बाद आपको पैटर्न देना है, जो भी पैटर्न आप देना चाहें, और इसके बाद आपकी वो चैट हाइड हो जाएगी। अब अगर आप इसको अनहाइड करना चाहें तो इसका सिंपल सा तरीका होता है, इसके लिए आपको ऊपर हेडर पोर्शन पे जहाँ पे व्हाट्सअप या GB व्हाट्सअप दिखाई देता है, आपको वहाँ पे टैग करना है। अगर टैग करते ही एक स्क्रीन ओपन होती है जिसमें आप पैटर्न देते हैं, वही पैटर्न जो आपने हाइड करते समय दिया था। इसके बाद आपको वहाँ पे सारी हिडन चैट्स दिखाई देने लगती है। लेकिन अगर आपको वहाँ पे जैसे आप टैग करते हैं हेडर पोर्शन पे, अगर आपको ये स्क्रीन नहीं आती यानी पैटर्न्स नहीं पूछता, तो आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आ रहा है तो सीधे आप यहीं पे टैग करें। टैग करने के बाद आपको सिंपली अपना पैटर्न देना है, जो भी चैट्स आपने हाइड की हैं वो सारी आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। आपको सिंपली बस करना इतना है कि आपको उस चैट पे जाना है। अगर आप उसको अनहाइड करना है तो आप बाहर से रहते हुए भी लॉन्ग टैप करके 3 डॉट्स पे क्लिक करके, अनहाइड चैट पे क्लिक करके आप उस चैट को अनहाइड कर सकते हैं। इन केस अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपने प्रोसेस कर लिया है फिर भी जब आप ऊपर हेडर पोर्शन पे टैग कर रहे हैं तो आपकी चैट अनहाइड करने के लिए जो पैटर्न पूछता है पहले, वो स्क्रीन ही नहीं आ रही है, तो फिर आपको क्या करना है तो समझ लीजिए, तो भी प्रोसेस बहुत लेंदी नहीं है। अब आपको करना ये होगा, आप जो भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो, GB, FM, यो, जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो, सिंपली पहले आप उस एप्लीकेशन को ओपन कर ले, ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करें। अगर आप GB यूज़ कर रहे हैं तो GB सेटिंग्स पे जाइए। इसके बाद आप वहाँ पे देखेंगे आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देंगे, जहाँ पर आपको एक ऑप्शन होम स्क्रीन का दिखाई देगा। चूँकि जो फीचर था ये होम स्क्रीन का था, तो आप वहाँ पे होम स्क्रीन को सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर करिए, ओपन कर लीजिए। जब आप होम स्क्रीन ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें आपको कैटेगरी वाइज दिखाई देंगी, जैसे कि हेडर पोर्शन, रो पोर्शन, या फिर आप कह सकते हैं स्टेटस पोर्शन। आपको जाना है हेडर पोर्शन पे, हेडर पोर्शन पे क्लिक करिए और वहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके देखिए, कहीं पे डिसेबल डबल टैप लिखा होगा। जैसे आप वहाँ पे देखेंगे डिसेबल डबल टैप ऑन व्हाट्सएप, आप अगर वहाँ पे वो ऑप्शन इनेबल है तो उसको डिसेबल कर दीजिए। क्योंकि उसको इनेबल करने से होगा क्या कि आप जैसे ही ऊपर होम स्क्रीन पे जाकर, आप जहाँ पे व्हाट्सअप या GB व्हाट्सअप लिखा रहता है, अगर आप उस पर टैग करते हैं तो टैग लेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ से उस ऑप्शन को डिसेबल कर दिया गया है। तो आप फिलहाल उसको वहाँ से डिसेबल कर दीजिए, वापस आइए, अपने एप्लीकेशन को एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए और फिर ऊपर हेडर पोर्शन पर जाके देखिए, इस बार फिर से टैग करिए, देखिए आपसे पैटर्न पूछता है। जैसे आपसे पैटर्न पूछे, आप उस पैटर्न को डाल दीजिए, डालने के बाद अपनी हिडन चैट्स को ओपन कर लीजिए, वहाँ से उन चैट्स को अनहाइड कर लीजिए, जो मैंने आपको पहले प्रोसेस बताया उसके अनुसार। तो इस तरीके से चाहे आप GB व्हाट्सअप यूज़ करें, FM व्हाट्सअप यूज़ करें या यू व्हाट्सअप यूज़ करें, आप आसानी से अपने चैट्स को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे, बहुत जल्द मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।